कि मुख्तलिफ दीनी अयाम और मौा के हवाले से खूस प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं हज की आमद आमद है माहिरजा है और हमारी सीरीज़ है हिजाज मुक़दस ये नौजवान साथी इन श्ला इस सीरीज में हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हज का तस्वुर क्या है हज की तारीख़ क्या है हज के मनासिक क्या हैं हज के फवाद क्या हैं और हज के अयाम कौन कौन से हैं और मनासी के हज के मकामा कौन कौन से हैं ये तमाम बातें इन शाला इस सीरीज़ में आपके हमारे सामने आती रहेंगी और साथ साथ हमारे नौजवान साथियों के सवाल के जवाब भी इन प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्यों बेटा आप लोग तैयार हैं माशाला जी आप लोग भी तैयार हैं बात तो से सुननी है ताकि बाद में जब सवाल का मौका हो तो कोई बात तिश ना रह जाए या क्लियर ना हो सके तो आप अपने सवालत के ज़रिए उस बात की वजह मुझसे इन शाला हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आज हम बात कर रहे हैं हमारा इस सीरीज़ का क्या है हिजाज मुक़दस मुक़दस तकदस वाला लेकिन हिजाज को जान लेते हैं आ, तीन शहरों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो इस इलाके में हैं और जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए यहां या वहां आपका वक्त गुजरा है मक्का मुकर्रमा हम सब वाकिफ़ हैं मदीना शरीफ हम सब वाकिफ हैं और कौन से एक और शहर में हुजूर तशरीफ ले गए थे ताइफ के इलाके में तो मक्का मुकरमा हो मदीना शरीफ हो ताइफ का इलाका हो ये तमाम शहर हिजाज मुकदस में ही शामिल है अलबत् इलाका बहुत बड़ा है डेढ़ लाख मुरबा मील कितना जी बहुत बड़ा इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और ये मरूफ है गहरे रंग की रेत के हवाले से रेत का रंग आपने देखा होगा लाइट भी होता है और कभी कभी गहरा भी होता है तो ये जो हिजाज का इलाका है ये गहरे रंग की रेत के हवाले से बड़ा मरूफ है और इसमें कई और भी शहर हैं और इनमें से दो का जिक्र मैं आपके सामने कर हूँ जिससे आप वाकिफ़ हैं बदर से वाकिफ़ हैं कौन सा ग़बा जहन में आता है गजवा बदर अलहमदिल्ला तबूक से वाकिफ़ हैं माशाला कौन सा ग़बा जहन में आता है गजवा तबूक तो तबूक का इलाका हो या बदर का इलाका हो वो भी हिजाज मुकदस में शामिल तो मक्का मुका मदीना शरीफ ताइफ का इलाका और बदर का इलाका और तबू का इलाक़ा और कुछ और इलाक़े भी हिजाज मुक़दस में शामिल हैं अलबत् क्योंकि हमारी सीरीज़ है हिजाज मुक़दस और हम कलाम करेंगे इन शाह हज के ताल्लुक से तो बाद में इन अगली एपिसोड्स में वो मकामा कि जहाँ हज के मनासिक अदा किए जाते हैं उनका जिक्र भी आ जाएगा जैसे कि बैतुल्ला शरीफ है जिसका तवाफ़ किया जाता है सफ़ा और मरवा की सही की जाती है और मिना में क़्याम करते हैं हज और अरफात के मैदान की हाजरी होती है मुस्तलफ़ा में भी क़्याम किया जाता है इन तमाम मकाम से वाकिफ हैं ये तमाम मकामा इसी मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के इलाक़े में हैं और ये पूरा इलाका हिजाज मुक़दस में शामिल है तो ये तो वजह तस्मिया हो गई कि हमारी सीरीज़ का क्या है हिजाज मुक़दस तो हमने हिजाज के लफ् को या इस अह को या इस इलाके को थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश की आज जो खास नुकता हम यहाँ समझना चाहेंगे वो ये है कि अल्लाह ताल ने हमें कुछ इबादत अता की हैं अल्लाह ताली ने हमें कुछ इबादत मोड्स ऑफ वर्शिप उन्हें कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में अतलाह है मरासम अबूदीत क्या कहते हैं यानी ख़ास रिचुअल्स ख़ास आमाल अल्लाह ताला की बंदगी के और उनको हम जानते हुए उनकी कुछ हमतों को समझेंगे और हज की एक हमत बड़ी वो हमारे सामने आएगी इन अच्छा पहली बुनियादी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए कि तमाम अम्बिया आलिम की बुनियादी दावत क्या थी और अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए कि अल्लाह ताली ने मुझे और आपको क्यों पैदा फरमाया तो वो एक लफ्स क्या है इबादत तमाम रसूलों ने कहा सुरह आरफ़ आयत नंबर फिफ्टी नाइन है नूअसलम के अल्फाज हैं याबुद्ल कौमल तबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं तो हर रसूल की बुनियादी दावत क्या एक अल्लाह की इबादत करो खुद अल्लाह तरमाया हमारी तख्लीक के बारे में सूरतारत आयत नंबर छप्पन सुरियात आयत नंबर छप्पन में अल्लाह तरमाया वाह खत बदून अल्लाह तला फरमाते हैं कि मैंने तमाम जिन्हात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया बहुत सादा सा बड़ा प्यारा सा एक शेर है शेर आइन वाला हाँ इंग्लिश वाला लाइन नहीं ठीक है जी आइन वाला शेर है जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी जिंदगी क्यों अदा हुई बंदगी के लिए और अगर आज जिंदगी बंदगी में गुजर नहीं रही तो कल क़्यामत के दिन क्या होगी शर्मिंदगी तो अल्लाह ने हमारी तखलीक का मकसद क्या बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है ये जो इबादत है ये 24 घंटे मतलूब है कितने घंटे अच्छा अल्लाह तला कितने घंटे हमारा मबूद है कभी कोई मुसलमान कह सकता है कि जुम्मे के एक घंटे अल्लाह मेरा मबूद है हाँ पाँच नमाजों में चलो डेढ़ दो घंटा लगता है तो कोई कह सकता है कि दो घंटे अल्लाह हमारा मबूद है रमदान शरीफ़ का एक महीना अल्लाह ताला हमारा मबूद है आ, हज के चालीस दिन अल्लाह ताला हम कोई कह सकता है नहीं कह सकता ना तो अल्लाह अगर चौबीस घंटे मबूद और यकीन है और हर नमाज की हरकत में इकरार भी करते हैं इया का ना अबूदो एलम तेरी ही इबादत करते हैं तो अल्लाह ताली चौबीस घंटे मबूद है तो उसकी इबादत भी कितने घंटे करनी है चौबीस घंटे ठीक हो गया एक और अहम नुकता अल्लाह ताला की इबादत के हवाले से दो अहम बातें अल्लाह ताला का हुक्म क्या है किसी मामले में और अल्लाह के रसूल आई का तरीक़ा क्या है किसी मामले में ये दो शरात पूरी हो तो सारी जिंदगी का हर अमल इबादत हो जाएगा पहली शर्त क्या है अल्लाह का हुक्म मालूम करें क्या है नंबर दो अल्लाह के रसूल सलाम का तरीक़ा मालूम करें ठीक है एक आदमी हराम कमाएगा तो गुना मिलेगा ना जब हलाल कमाएगा तो सवाब मिलेगा एक शख्स जिना करेगा तो गुना मिलेगा निकाह करके अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करे तो सवाब मिलेगा क्यों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और सलाम की तालीम के मुताबिक अमल कर रहा है तो सारी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी के लिए दो शराब अल्लाह ताला का हुक्म उसको फॉलो किया जाए उसकी पैरवी की जाए और नबी करीम सलम की तालीम पर अमल किया जाए एक बात हो गई अगली बात चौबीस घंटे जो अल्लाह ताली की बंदगी करनी है इसमें कुछ रुकावटें हैं क्या हैं रुकावटें कुछ हर्डल्स हैं कुछ रुकावटें तो रुकावटों को दूर करना जरूरी है ताकि 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत करने के हम काबिल हो सकें इस 24 घंटे की इबादत में कुछ रुकावटें हैं हर्डल्स हैं इन रुकावटों को दूर करना जरूरी है तभी अल्लाह ताला की कामिल इबादत करने के काबिल हम हो सकेंगे तो पूरी जिंदगी तो इबादत करनी है मगर अल्लाह ताला ने कुछ बड़ी बड़ी इबादत हमें अता की हैं क्या अता की हैं इबादत ठीक है इबादत तो चौबीस घंटे और पूरी ज़िंदगी करनी मगर अल्लाह ने कुछ बड़ी बड़ी इबादत हमें अता की हैं जिनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बड़ी बड़ी इबादत हमें पूरी जिंदगी की इबादत के लिए तैयार करती हैं दोबारा से करता हूँ इबादत कितने घंटे करनी है लेकिन इसमें कुछ रुकावटें उन रुकावटों को दूर करना है तो अल्लाह ताला ने कुछ बड़ी बड़ी इबादत हमें अता की हैं जिनका एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत के हम काबिल हो सकें मशहूर हदीस सबको याद है बुखारी शरीफ में भी है बुनियाल इस्लाम व अला खम्स इस्लाम की बुनियाद कितनी बातों पर है पाँच बातों पर इस्लाम की बुनियाद पूरा इस्लाम तो पूरी इमारत होगी ना इस्लाम की बुनियाद पाँच बातों पर है तोहहीद और इसालत की गवाही देना नंबर दो नमाज क़ायम करना नंबर तीन जक़ात देना नंबर चार रोजा रखना माह माहिरान की फ़र्ज और नंबर पांच हज करना जो भी स्तात रखता हो ये पांच अरकान इस्लाम हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं ये पूरा इस्लाम नहीं है पूरे इस्लाम में पूरी जिंदगी आएगी इनफरादी जिंदगी भी और इज्तमाही जिंदगी भी लेकिन ये पिलर्स हैं सुतून सतून जितने मजबूत होंगे इमारत उतनी मजबूत होगी इन सतूनों में चार बड़ी बड़ी इबादत नमाज जक़ात रोजा और हज इनका एक एक फ़ायदा समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं एक-एक फायदा ना बहुत सारे फायदे हैं और इनका मकसद क्या है समझने का फवायद को कि पूरी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी के काबिल हो सके और आखिरी नुकता इस तसल में, में आएगा जो हमारी पूरी का भी के, हज के से हम कलाम कर रहे हैं नमाज का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है मैंने अर्ज किया था कुछ रुकावटें हैं न एक बहुत बड़ी रुकावट क्या है अल्लाह 24 घंटे की इबादत में हमारे अंदर निशियान भूल जाने की एक बीमारी है कई मरतबा बंदे भूल जाते हैं कि बंदे कई मरतबा भूल जाते हैं कि मरना है कई मरतबा भूल जाते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी भी है कई मरतबा भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मबूद भी है इस भूल का इलाज जरूरी है इस रुकावट को दूर करने के लिए इस भूल का इलाज जरूरी है चनाच सूर तो की आयत नंबर चौदह में जिक्र आया अकीमी सला तिक्री नमाज क़ायम करो मेरी याद के लिए नमाज क़ायम करो मेरी याद के लिए हर चंद घंटों बाद नमाज याद दिलाती है ना अल्लाह अकबर सबसे बड़ा कौन है अल्लाह हर चंद घंटों बाद याद आता है मालिकी मरना है मालिकी यौमिद्दीन मरना भाई अल्लाह के सामने हाजिर भी होना है अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है इसी तरह इया का ना अब तेरी इबादत करते हैं याद आएगा कि अल्लाह की इबादत करनी मेरी मर्जी नहीं आजकल बहुत चल रहा है ना मेरा जिसम इट्स माई चॉइस इट्स माई स्टाइल और ना भाई ना बंदे हैं बंदे बनकर रहे तो हर चंद घंटों बाद नमाज याद दहानी कराती है तो जो भूल जाने वाली रुकावट है उसको दूर करने का जरिया नमाज है समझ आ रही बेटा बात पूरी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी करनी है एक रुकावट भूल जाना है इस भूल का इलाज किस में रख दिया गया नमाज में नमाज के और बहुत सारे फायदे हैं एक फायदा हमने जाना नंबर दो रोजा रोजे का एक बड़ा फायदा क्या है सूरतुल्बकर की आयत आयतम वन एटी थ्री है में तकवा पैदा हो जाए अच्छा रोजे में किसकी मर्जी चलती है अल्लाह ताला की भूख लगती है खाते है, प्यास लगती है पीते चुपके से कई कोने में बैठकर नहीं कोई दस लाख रुपए दे एक गिलास पानी पी लो रोजे में पियेंगे अच्छा एक करोड़ रुपए दे दो तो। सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों अल्लाह ने मना फरमा दिया तो मेरी नहीं किसकी रब की मर्जी ठीक है मेरी चाहत नहीं किसकी चाहत रब की चाहत तो नफ्स कई मरतबा रुकावट बनता है अल्लाह ताला की इबादत में नफ्स कई मरतबा रुकावट बनता अल्लाह ताला की इबादत में इस नफ्स को कंट्रोल करने की जरूरत है क्या इस को कंट्रोल करने की जरूरत है और इस कंट्रोल करने का बहुत बड़ा जरिया रोजा है जिसमें हमारी मर्जी नहीं रब की मर्जी के ताबे होकर पूरा दिन हम गुजार रहे होते हैं तो दूसरी रुकावट क्या है नफ्स की ख्वाहिश उसको कंट्रोल करने के लिए रोजे जैसी अजीम इबादत आता की गई दो बातें हो गई तीसरी बात जकत जकत क्या है सालाना बुनियादों पर अल्लाह की राह में माल खर्च करना साहिब लोगों पर लाजिम है अच्छा रुकावट एक और क्या है एक बड़ी रुकावट है माल की मोहब्बत एक बड़ी रुकावट क्या है माल की मोहब्बत हमें याद है आखिरी पारे में वो इन नहू लिह बिल खैरी में माल की बड़ी शदीद मोहब्बत है और माल की मोहब्बत का बुत बनाकर लोग हलाल हराम की तमीज को भूल जाते हैं अल्लाह ताला को भूल जाते हैं अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ जाते हैं तो माल की मोहब्बत एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसको दूर करना ज़रूरी है ताकि 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत करने के काबिल हो सकें तीन बातें हो गई नमाज भूल का इलाज है रोज़ा नस को कंट्रोल करने का ज़रिया है और ज़कात माल की मोहब्बत कम करने का बहुत बड़ा ज़रिया है ठीक हो गया एक अहम नुकता भी याद कर लें कहते हैं ना बहता हुआ पानी पाक होता है बहता हुआ पानी तो पानी आता रहे जाता रहे पाक रहेगा और उससे भी कर लेंगे लेकिन पानी आ आकर खड़ा हो जाए जौहड़ बनेगा उसमें बदबू आएगी अब वो पाक रहेगा नहीं तो पानी आता रहे जाता रहे पाक माल आता रहे और जाता रहे तो पाक है दिल भी पाक और माल भी पाक हो जाएगा ताला अब आइए हज के ताल्लुक़ से बहुत अहम नुकता हज एक अजीम और जामे इबादत है जी कभी घर कभी घर वाले कभी नौकरी कभी कारोबार कभी जायदाद कभी मालो असबाब ये रुकावट बन जाते हैं, इनकी मोहब्बतें रुकावट बन जाती हैं अल्लाह ताला की इबादत करने में तो एक बहुत बड़ी इबादत हज की अदा की गई साहिब स्तारत लोगों पर जिंदगी में एक मरतबा फ़र्द है जिसमें नमाज की तरह अल्लाह ताला का जिक्र भी किया जाता है जिसमें रोजे की तरह कुछ मुशक्क़त भी होती जिसमें जक़त की तरह माल भी खर्च किया जाता है तो हर हाँ जाम तरीन इबादत है जो अल्लाह ताला की खातिर सब कुछ छोड़ देने के लिए बंदे को तैयार करती है और ये बहुत बड़ी तरबियत है पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की बंदगी करने के एतबार से तो हासिर कलाम इबादत 24 घंटे और जो चंद रुकावट है उनको दूर करने के लिए नमाज है भूल का इलाज ज़कात है माल की मोहब्बत का इलाज रोज़ा है नस को क़ाबू करने का इलाज और हज क्या है सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ देने के लिए लब्बई का मब्बई कह के अल्लाह की राह में निकल जाना ये पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की इबादत के लिए हमें तैयार कराया जाता है नाज़िक राम ला आज हमने पहले एपिसोड आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं अभी प्रोग्राम जारी है और हिजाज मुक़दस इस उनवान के तहत हज के हवाले से कुछ इब्तदाई बात हमने की है आइंदा के एपिसोड्स में इन शी हज का मफूम क्या है हज की तारीख क्या है हज के मनासिक क्या है हज के मनासिक के मकाम क्या हैं हज के फवाद क्या हैं सब पर कलाम होगा अलबत्त अब वक्त है कुछ सवाल का आइए हम अपने नौजवान साथियों से मालूम करते हैं कि हमसे आज वो क्या सवाल करना चाहते हैं जी बेटा पहला सवाल कौन करना चाहेंगे जी बेटा आपका सवाल वालेकुम अल्लाम वरम्ह वालेकाम वरहा जी मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर हम हज अदा कर लें तो जो अरकान इस्लाम है नमाज़ रोज़ा ज़क़़त तो ये तीनों कम्प्लीट हो जाएंगे ज़बरदस्त बड़ा दिलचस्प सवाल है बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अगर हम हज हज अदा कर लें तो क्या नमाज भी अदा हो गई क्या ज़क़त भी अदा हो गई क्या रोज़ा भी अदा हो गया क्योंकि मैंने एक बात कह दी ना कि हज में नमाज़ की तरह जिक्र भी नमाज़ नहीं है नमाज की तरह जिक्र है अल्लाह का इसी तरह रोज़े की तरह मुशक्त भी है रोज़ा नहीं है वो रोज़े की तरह मशक्कत भी है और इसमें ज़क़ात नहीं ज़क़ात की तरह माल का खर्च करना भी है तो जो खूसियात नमाज की और रोज़े की और ज़क़ात की हैं वो हज की इबादत में शामिल हो गई इसका ये मतलब नहीं है भाई कि जिंदगी में एक दफ़ा जाके के हज कर लें तो सारी ज़िंदगी की नमाज़ें भी हो गई सारी ज़िंदगी की जक़ात भी हो गई सारी ज़िंदगी का रोज़ा भी हो गया ऐसा नहीं है उसको जामे इबादत यूँ कहा गया कि मुख्तलिफ़ इबादत के एलिमेंट्स और खसूसियात उसमें शामिल हैं नमाज अपने वक् पर अदा करनी दिन में पाँच नमाज़ें अपने वक् पर अदा करनी जकवात साहेब ने को सालाना बुनियाद पर देनी रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं हर रमज़ान शरीफ़ में रखने इन शी और ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब इस पर हज अदा करना लाजि क्लियर है बेटा जरा का। जजा कर ला जब कोई कहे तो खैरन भी कहना चाहिए जजाक मतलब को अच्छा बदला दे अगर अरबों को कहना जजाक नाराज हो जाएंगे हो कैसा बदला अच्छा के बुरा तो कांग्लिश का। में कहेंगे आपको भी खैरत आफरमाय जी आप सवाल करेंगे बेटा जीकम वरह वी मेरा नाम हाफिज अली है और आपसे मेरा एक वो थोड़ा सा तवील सवाल है वो सवाल ये है कि अल्लाह इज़्ज़त का एक शख्स को दिया हुआ माल सब कुछ है मतलब वो साहिब इस्तेतात है और साहिब इस्तेतात होने के बावजूद बिना किसी उजर के अगरचे वो बैतल् शरीफ की जीारत के लिए ना जाता है और बैतुल्ला शरीफ के लिए मतलब हज के लिए ना जाता है तो उसके लिए क्या काम है जी आ, अहम सवाल है और ज़रा जल्दी भी आ गया कि सवाल यह है कि जिस शख्स पर हज फर्ज हो गया जो कि ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब इसतात पर फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मरतबा जो साहिब इस्तात पर हज फर्ज है किसी पर फ़र्ज हो गया माल भी है सेहत भी है कोई मसला भी नहीं है और वह हज बैतल् के लिए नहीं जाता तो उसके लिए क्या है अल्लाह के रसूल मक्रम सल्ला वसम की हदीस मुबारक है सोलन इबिन माजा में आपने फ़रमाया कि जिस शख्स को न किसी ालिम बादशाह ने रोका न कोई बीमारी थी ना कोई और उज़ुर था सब कुछ ठीक था इसतात भी थी इसके बावजूद वो हज अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला को इसकी कोई हाजत नहीं ये यहूदी होकर मर जाए या नसरानी होकर मर जाए इस कदर सख्त बात है तो गोया साहिब पर जिंदगी में हज अदा करना फ़र्ज़ है अगर वो नहीं अदा कर रहा तो इस कदर सख्त वहीद और डरा हदीस से मुबारक में आया अल्लाह को कोई हाजत यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे अल्लाह इस बुरे अंजाम से हम सबकी हिफाजत फरमाए जजाक बेटा आज आपके साथ पहला प्रोग्राम हमारा हुआ नाजिक राम अलहमदुल्ला तो ये फिर मर्श कर रहा हूँ शादत मिल रही है और हमेशा अल्लाह ताली ये शादत देता रहे कि अहम अयाम और मौा पर अहम मालूम पर मबनी प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करें ये सीरीज हजाज मुक़दस की इन श्रा आइंदा प्रोग्राम्स में हज के हवाले से मजदीद पहलू इन्हीं नौजवानों के साथ इस प्रोग्राम में आपकी खदमत पेश करेंगे इजाज़त चाहेंगे और इस दुआ के साथ के अल्लाह ताली हजाज कराम की दुआओ में हम सब का हिस्सा शामिल फ़रमाए उनके हज को कबूल फरमाए और हम सबको भी आइंदा हज के फरीसे को अदा करने की तोफी खतरा फरमाए इन अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए इजाज़त आखरद आवाना नाजीन अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ए आर वाई क्यू टी वी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए